हेलो, वेलकम टू टेक्शन मित। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है एनकोड। एनकोड मेथड किस लिए यूज़ लेते हैं? जब भी आपको अपने स्ट्रिंग को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एनकोड करना हो तो उस केस में हम एनकोडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनकोड मेथड का। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनकोडिंग यहाँ पे परफॉर्म करी है। टोटल 4 सिनेरियोज़ हैं। हम वन बाय वन एक एक सिनेरियो को समझते हैं। तो पहले सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रिंग स्टोर किया हेलो वर्ल्ड और उस पे हम एनकोड मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो एनकोड मेथड उसको क्या करेगा, एनकोड कर देगा। और ये जो है हमारा बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाइट्स को। तो होता क्या है कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसको सीक्वेंस ऑफ बाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये बी इसका ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो जब कन्वर्ट हो जाएगा, एनकोड हो जाएगा, अभी हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली जो भी आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा। तो अगर मैं हम इसको रन करें तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड कीबोर्ड से हमने प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, टर्मिनल ओपन करेगा। और इस टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पर चेक करेंगे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लिखोगे पाइथन स्पेस, और यहाँ पे प्रोग्राम का नेम है हमारा सेशन 30.py, ठीक है, और एंटर हिट करना है। तो यहाँ पे सारे आउटपुट प्रिंट हो गए। तो पहला जो इसने कन्वर्ज किया, एनकोड किया पहला स्ट्रिंग, वो एज इट इज़ कन्वर्ट हुआ। बट आप यहाँ पे देखोगे बी एज अ प्रीफिक्स यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एनकोड हो चुका है। और जैसा कि सभी पहले से एस का ही करेक्टर्स थे तो इसमें आपको शो नहीं हो रहा, और यहाँ पे एनकोडिंग एज इट इज़ हो गई, ठीक है, क्योंकि वो सब पहले से एस्काई कोड में थे। सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड में हमने क्या किया, एज ए आर्ग्यूमेंट हमने एस्काई पास किया कि जो भी करेक्टर्स नॉन एस्काई है वो एस्काई में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी तो क्या है, ऑलरेडी सारे हेलो कॉमा ये सब एस्काई करेक्टर्स ही होते हैं, बट जब आपके पास कोई ऐसे स्ट्रिंग है जहाँ पे एस्काई नहीं है तो उस केस में आप इसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। तो सेकंड के लिए भी हमारे पास आउटपुट वैसा ही आ रहा है अभी के लिए। थर्ड में आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। थर्ड सिनेरियो में हमने क्या किया, यहाँ पे UTF अंडरस्कोर 16 UTF-16 हमने यहाँ पे पास किया। तो इसमें क्या होता है, कोडिंग इस तरह से हो जाती है। आप देखोगे यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है वो कन्वर्ट होकर ये कुछ कैरेक्टर्स हमारे को मिल रहे हैं। तो जो थर्ड वाले का आउटपुट है वो आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे UTF-16 पे पूरा एनकोडिंग परफॉर्म हुआ है। तो इससे आप एक एडवांटेज ये ले सकते हो, जैसे आपको कोई भी क्रूशियल डेटा स्टोर करना है ना किसी यूज़र का, तो उस केस में आप इसको इस तरह से एनकोड कर सकते हो और एनकोडेड डेटा को फिर स्टोर कर सकते हो। फोर्थ सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ सिनेरियो के अंदर हमने यहाँ पे एस्काई तो पास किया है एज ए आर्ग्यूमेंट, बट साथ में हमने एरर्स को इग्नोर किया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। डिफरेंस क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखोगे ये कुछ चाइनीज में लेटर लिखा हुआ है, जो एक वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, बट ये वाला जो पोर्शन है वो चाइनीज में लिखा है, जो एस्काई करेक्टर्स नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसको एस्काई में कन्वर्ट करो, एनकोड करो और एरर्स को इग्नोर करो, कि अगर इसमें कुछ भी ऐसा मिलता है जो एनकोड नहीं हो पा रहा या जो एस्काई में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो उसको इग्नोर करो। तो उस केस में क्या हो रहा है, इसने इसको इग्नोर किया और जो आउटपुट प्रिंट हुआ वो खाली हेलो और एक्सक्लेमेशन। तो आप देखोगे उसको इग्नोर ही कर दिया उसने, है ना। तो इस तरह से आप इग्नोर कर सकते हो। और इसका जो बाद वाला सिनेरियो है, फिफ्थ सिनेरियो है, यहाँ पे ये हमारा फिफ्थ सिनेरियो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिखा है कि रिप्लेस कर दो। तो ये क्या करता है, एक अपने करेक्टर से रिप्लेस कर देता है। तो उस केस में आपको आउटपुट दिख रहा है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो ये जो भी नॉन एस्काई करेक्टर्स थे उसको इसने क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दिया। तो इससे हमारे को इंडिकेट होगा कि यहाँ पे कुछ नॉन एस्काई करेक्टर था, ठीक है। तो ये लास्ट तीन सिनेरियो आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें हमारे को डिफरेंस दिख रहा है। और अगर आप पहले वाले में भी इस तरह से कुछ नॉन एस्काई करेक्टर्स डाल दोगे तो आपको वहाँ पे भी पता चलेगा कि जो एस्काई थे उसको तो उसने एज इट इज़ रखा, और जो नॉन एस्काई था उसमें फिर वो या तो आपको एरर में इग्नोर रखना होगा जिससे वो उसको स्किप कर देगा और बाकी को एज इट इज़ रखेगा, या फिर आपको रिप्लेस रखना होगा। तो रिप्लेस में क्या होगा, वो अपने क्वेश्चन मार्क से उस पोर्शन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो चाइनीज़ करेक्टर्स थे वो क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस होगा 2 times, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम एनकोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको टोटल 5 सिनेरियोस बताए हैं। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनकोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।